तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कुची 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 कुची। तो आज फाइनली मेरे पास दो बुरी खबरें। पहली है कि मेरा फ़ोन टूट गया है, सेकेंडरी फ़ोन जो था मेरा, जिससे मैं मोटो व्लॉग शूट करता था। तो मेरे पास अभी दूसरा कोई सा फ़ोन बचा नहीं है, ये आईफोन बचा है। इससे मोटो व्लॉग कर नहीं सकता क्योंकि माइक इसमें लगता नहीं है बोया, और ये वाले यूएसबी वाले, वो माइक्रो यूएसबी 3.5 mm जैक वाले, तो इससे मैं कर नहीं सकता। सेकेंड ये कि हमारी होंडा सीबी ट्विस्टर का आज हमारे घर पे आखिरी दिन है। इसको हमें एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। एक बस गुड न्यूज़ है कि इसको एक्सचेंज करवा के हम नई पल्सर लेने वाले हैं। मेरे पास NS 200 तो है ही, पल्सर NS 200, लेकिन इस बार घर में आ जाएगी, नॉर्मल यूसेज के हिसाब से आ जाएगी जो पल्सर। तो चलते हैं, अभी हम इसके थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे उसके बाद। तो पहले हम आधार की फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। मैंने सोची इसमें आखिरी बार पेट्रोल डलवा ही लेते हैं थोड़ा सा। अब पेट्रोल तो डलवा लिया है, अब हम चलते हैं थोड़े से डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं। अब हमारा एक छोटा सा काम बचा है, वो है 29-30 नंबर के फॉर्म लेने थे हमें। जिनको नहीं पता 29-30 नंबर फॉर्म क्या होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। 29-30 नंबर फॉर्म जो रहते हैं, गाड़ी बाय और रीसेल जब आप करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, अगर आपको तो अगर ठीक से समझ में नहीं आया होगा, मतलब मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया इस चीज़ को। तो रॉन्ग साइड चलने में जो मज़ा है भैया, और कहीं नहीं है। यहाँ पर हम करवा लेते हैं फ़ोटो कॉपी, बिना क्लच दबाए गाड़ी रोकते हैं, गाड़ी एकदम रुकती है। बेस्ट वे टू स्टॉप बाइक एंड डिस्ट्रॉय देयर गियर प्लेट्स। थैंक यू। तो आधार कार्ड नंबर दिखाऊंगा नहीं मैं, तो चलिए इसको आखिरी बार निहार लेते हैं हम। भैया 110 सीसी की गाड़ी, 2012 मॉडल, इतना रगड़ा है ना इस गाड़ी को, क्या बताऊं मैं। तो चलते हैं अब घर, चलेंगे घर से, ये गाड़ी हैंडओवर करेंगे भैया को और हम चलेंगे हमारी NS से। तो फाइनली जो अब है, ये जो 29-30 नंबर के जो फॉर्म है उन पर साइन होने वाले हैं मम्मी के, क्योंकि जब 2012 में बाइक ली थी तो मम्मी ने दिलाई थी, तो अब उनके नाम से है, तो वही ट्रांसफ़र होने के लिए उनकी साइन चाहिए। तो अभी जो है साइन हो चुके हैं सभी फॉर्म पे, और अब हम जाएंगे शोरूम इस गाड़ी को देने और नई पल्सर उठाने। तो अभी सब रेडी हो रहे हैं, सब नहीं बस हम 3 लोग बस। ये मैं बता रहा था, ये फ़ोन ने कर लिया भैया छत से कूद के सुसाइड, तो इसकी भी स्क्रीन में छेद ही हो चुका है। ये निकल चुके हैं बाइक से और हम हमारी NS से जा रहे हैं। टाटा, जाओ अंदर जाओ। तो ये है हमारे यहाँ का बनबना तालाब, आपको किसी दिन यहाँ पर लाएंगे घुमाने। बाकी अभी तो हम गाड़ी में देंगे थोड़ी सी रेस, छोड़ेगा थोड़ा सा पीछे। मतलब आप देख सकते हो गाड़ी की दशा 12 साल में इतनी मस्त हो गई थी ना कि इसको मतलब क्या बताएं। इस गाड़ी ने 12 साल बाद भी मतलब दम अभी तक नहीं तोड़ा है, इतनी प्यारी चलती है। बट वो है कि यार टाइम के हिसाब से चलना चाहिए यार, गाड़ी पुरानी भी बहुत हो गई थी, कब तक इस पर जोर मारते रहें। वही है, आज फाइनली इसका दिन आ गया है। फाटक लागे लू, हम जा रहे हैं महितपुर रोड तरफ, वहाँ पर शोरूम है, मतलब भैया का पहचान का है शोरूम, मतलब व्यवहार है थोड़ा वहाँ पे, तो वहाँ से लेना ज़्यादा सही समझा। क्योंकि एक बात मैं ऑनेस्टली आपको बता दूँ, नागदा वाले हो, बजाज की गाड़ी है अगर कोई की, तो आप जानते होगे कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है बजाज शोरूम वाला नागदा के, वो हर चीज़ ना आपको किसी ना किसी दूसरी चीज़ पर डाल देंगे वो। मतलब मैं गया था, इसकी फ़र्स्ट सर्विस थी, मैंने बाइक भले इंदौर से ली थी बट सर्विस तो कहीं भी करवा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। अब मैं नागदा में आया, नागदा में सर्विसिंग के लिए मुझे इन्होंने इतना दौड़ा दिया, इन्होंने पहले मुझे मना कर दिया कि भैया आपकी 200 सीसी तक की गाड़ी का हमारे पास ऑयल नहीं है, हमारे पास 125-160 तक सीसी तक की गाड़ी का ऑयल है, आपकी गाड़ी का ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, या तो आप ऑयल आप ला के दे दो तो हम सर्विसिंग कर देते हैं। तो ऐसा इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर नागदा शोरूम से अगर लेते हो, नागदा बजाज शोरूम से, तो
वही है, ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए भैया जहाँ पे मुझे ट्रस्ट है, जहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वहीं से लेना ज़्यादा सही है। इसीलिए हम दूसरी बाइक जो है हमारी दूसरे शोरूम से उठा रहे हैं, भले नागदा से थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है, बट वही है आगे कोई समस्या नहीं आए, इसलिए रिस्पॉन्स जिनका अच्छा रहा वहीं से हम बाइक को उठाना सही समझ रहे हैं। खोल ले, अब तो खोल ले। बजाज शोरूम, ये महितपुर रोड है वैसे, आपको जो अगर पता नहीं हो तो। भैया हमारी गाड़ी तो इसकी फास्ट है, हमने जो भगाई गाड़ी 5 मिनट में हम आ गए यहाँ पे और ये पीछे रह गए, तो अब लगाते हैं गाड़ी और चलते हैं अंदर। बाकी के डॉक्यूमेंटेशन अभी हो रहे हैं, तो तब तक मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। ये बजाज पल्सर 125 में भी दो मॉडल आते हैं, 125 सीसी में। इसमें आपको छोटे मोटे डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे सीट जो है सिंगल सीट मिल जाती है आपको, इसमें अगर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन चाहिए तो स्प्लिट सीट भी मिल जाती है। ऐसे छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो आप नोटिस करेंगे, जैसे पीछे के ग्रैब हैंडल्स हैं सिंगल में भी आ जाते हैं, इधर स्प्लिट हैंडल्स भी आ जाते हैं, अगर आपको मतलब छोटी छोटी डिटेल्स हैं अगर आपको चाहिए तो। बाकी ये वाली फाइनल कर रहे हैं ब्लैक में, प्योर ब्लैक कलर। अब ये निकल रही है पल्सर बाहर, हमारी गाड़ी रेडी होकर पीछे से पूरा जो रहता है जितना भी चेकअप वेकअप सब रहता है, गाड़ी पूरी कंप्लीट होकर आ चुकी है। अब डिलीवरी की प्रोसेस अब स्टार्ट होगी, उससे पहले मैंने सोचा गाड़ी पे एक नज़र मार ली जाए भैया, क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखें करिए, जब भी आप एक नई गाड़ी लेते हैं उसे पहले आप गाड़ी को 3 बार ज़रूर चेक करें, एक अब जब आप देखने आ रहे हैं और जब आप जिस दिन फाइनल कर रहे हैं उस दिन भी आप गाड़ी को पूरा कम्प्लीट देख लीजिए, प्लस जब उसके लिए आती है ये जब चेकअप होके पूरी आती है तब आप इसको एक बार बिल्कुल चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के बाद इस पर कोई भी आपको स्क्रैच दिखता है या ये दिखता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे अच्छा आप पहले पूरा चेक कर लीजिए गाड़ी को कि कोई स्क्रैच डेंट या फिर कोई मिसिंग पार्ट तो नहीं है, क्योंकि फिर आप कहाँ मतलब सफाइयाँ देते फिरेंगे कि अरे ये तो पहले ही था, ये आपने करके नहीं दिया, ये वो ड्रिंक का, तो आप ये चीज़ हमेशा चेक कर लीजिएगा पहले। उनकी तरफ से हमें गिफ्ट के तौर पर मैडम जी, तो फिर शोरूम की तरफ से तो नागदा से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, किसी को भी बाइक बजाज की कोई सी बाइक लेनी हो तो मेरे भाई संपर्क करें आयुष जायसवाल से, शोरूम जो है श्री विनायक शोरूम है ना, कहाँ पर है ये एड्रेस भी बता दें एक बार, गुड रोड विद्युत मंडल के साथ। ओके, तो कोई किसी को कोई भी समस्या हो ये भाई का मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी परेशानी हो इस बंदे से बात कर लेना, ठीक है भाई। तो ये तो निकल चुके हैं, अब हम चलते हैं हमारी एनएस से, इनको निकल जाना तो भैया हमारी एनएस 2 सेकंड में कवर कर लेगी। अब एनएस की भी पूजा बाकी है, एक बार हो चुकी है लेकिन भैया एक प्रॉपर जो होती है प्रॉपर पूजा वो इसकी बाकी है, क्योंकि ये भैया खून की प्यासी है ये गाड़ी, जब भी निकलती है ना खून ही मांगती है, तो इसका नाम मैंने डेविल रख रखा है, डेविल बाइक है मेरी,
तो इसकी भी एक पूजा हो जाए तो भैया, क्योंकि मेरे को निकलने में इससे डर बहुत ज़्यादा लगता है। और इसको हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो इसको टाटा बाय बाय बहुत याद आएगी तेरी, बहुत मेरा साथ निभाया इस गाड़ी ने, दुख भी बहुत दिए हैं लेकिन साथ भी बहुत निभाया। तो टाटा बाय बाय, इसको छोड़ के जाना अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस गाड़ी से, बट फिर भी टाटा बाय बाय। तो चले, हम चलते हैं। तो भैया, मैंने जैसा बोला था, 2 मिनट में कवर करने में टाइम भी लगता है। और ये आ रहे हैं इनकी नई नई बाइक से, थोड़ी तेज लाओ दादा। फाइनली रुकेंगे अब पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल लगवाएंगे नई नई गाड़ी में। हमारी गाड़ी में तो रहता ही है, कोई ज़रूरत नहीं। क्या डलेगा अब नई नई गाड़ी में पेट्रोल? तो कंपनी वाले ज़्यादा देते नहीं है पेट्रोल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर देते हैं, वो भी गाड़ी की टेस्टिंग में ख़त्म कर देते हैं। तो फाइनली अब जाके डलेगा इसमें थोड़ा सा अच्छा खासा पेट्रोल, फिर चलेंगे नागदा तरफ। तेल में भी डलवाऊँगा, तेल तो टंकी फुल कर लूँगा मैं, टेंशन मत। ये नई पल्सर पे और एक हमारी पल्सर पे भी माला आई, कर देंगे इसको। ये भी नई नई गाड़ी है भैया, ये तो है ही नहीं। चलो अब हम जा रहे हैं हमारी सुपरमार्केट पे, स्मार्ट पर। यहाँ आ गए हम हमारे स्मार्ट पे। ये पूरा सामान हमने बाहर रख रखा भैया दिवाली के उपलक्ष्य में। और यहाँ पर अभी हम पहले आ गए, वो भाई साहब अभी मिठाई लेने गए हैं, तो मिठाई लेके आएंगे। और अभी जब बाइक हमें डिलीवर हुई है तो बाइक के साथ ये हेलमेट गिफ्ट में मिला है। ये हेलमेट है ना, ये चालान बचाओ हेलमेट है भैया, सेफ्टी के लायक नहीं है ये। मतलब बिल्कुल, अगर इसको 5 में से अगर स्टार दें तो 1 भी दे दूँ तो बहुत बहुत कमज़ोर हेलमेट, और बस कह सकते हैं काम चलाओ और चालान बचाओ हेलमेट है ये। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो ही बनाएंगे अब तो। हेलो, नई नई गाड़ी एक और आ रही है घर पे, कैसा लग रहा है? गाड़ी बस ये अलावा कोई गाड़ी, ये 200 सीसी की गाड़ी है, अभी वो 125 सीसी की आएगी। हम सवारी करते हैं इस गाड़ी की, ये बात। इसको भी आज माला पीना ही दी है, ये इसको ऐसा नहीं लगे, नहीं तो ये भैया खून ही मांगती है गाड़ी तो जब निकलती है, पर क्या पता आज किसी और की टांग तोड़वाती है। बहुत सुंदर है गाड़ी, पर आपने माला में कंजूसी क्यों कर दी? क्योंकि माला हम ऐसे ले आए बस, क्योंकि अभी पूजा भी गाड़ी की हुई नहीं। एक फूल कहाँ है? गई नई गाड़ी, इसको मिल गया नया नाम काला घोड़ा। फाइनली हमारी दोनों पल्सर आ चुकी है, नई पल्सर भी आ चुकी है, और हमारी NS तो थी। तो कैसा लग रहा है नई गाड़ी लाकर? कुछ नया नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पल्सर थी। हाँ, पहले तो 5 रह चुकी है इनके पास पल्सर। मेरे पास टोटल अपनी खुद की 7 बाइकें पर्सनल थी, मैं और बढ़ाने वाला था, पर धीरे धीरे करके मैं उनको कम करता गया क्योंकि बाइकों का मेंटेनेंस रखना भी ज़रूरी होता है, ये तो बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल के तौर पर मेरी अपनी पर्सनल 1, 2, 3 बाइक्स अभी मेरे पास हैं। एक रेड मेरी मॉडिफाइड बाइक है, एक मेरे पास पल्सर ऑलरेडी रखी हुई है 150, और एक और ये पल्सर आ गई है 125, ये BS6 मॉडल है। तो ये गाड़ी हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है, आज आ चुकी है और ये अब हमारा लंबे समय तक साथ निभाएगी। तो इस गाड़ी के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। जो बंदे सोच रहे हैं भैया नई गाड़ी लेने के बारे में, 1 से 1.5 लाख का जिनका बजट है, उनके लिए बेस्ट गाड़ी है ये, तो इसका एक सेपरेट वीडियो भी बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। हम फिर से इससे जाएंगे इस बार हम राइड पर, भाई NS से तो जाते ही हैं हम, एक बार इससे चलेंगे, इसकी भी परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे कैसी है गाड़ी चलने में। मतलब अभी तक जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अभी जब मैंने इसको चलाई, आई वुड से मतलब बहुत स्मूथ गाड़ी है। मतलब NS को बुरा लग जाएगा लेकिन भैया हमारे डेविल से भी ज़्यादा स्मूथ गाड़ी है ये, क्योंकि भाई कंफर्ट के लिए गाड़ी है।
कंफर्टेबल बहुत है ये। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अनबॉक्सिंग।